दोस्तों, रियल टाइम बिडिंग दौर दौरा चल रहा, है। रियल टाइम ही बिडिंग कर रहा हूं अब आप लोगों के लिए मैंने रियल टाइम बिडिंग की ग्राफिक डिजाइनिंग सो सो हो रही है ई कॉमर्स की अब ई कॉमर्स हम अलग से डीजी स्किल्स पे कोर्स भी पढ़ा रहे हैं चौबीस घंटे का मेरी दरखास्त है कि ये स्किल इतनी मुश्किल नहीं है आजकल के दौर में जब आप वर्ड की बात कर रहे हो और ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहे हो या शॉपिफाई की बात कर रहे हो या मर्जेंटों की बात कर रहे हो थोड़ी सी अगर नॉलेज हो तो प्लग एंड प्ले है। अब आपको खुद कोड नहीं करना पड़ता मैं गुरु डॉट कॉम पर आपके सामने प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू करूँगा और जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगेगा ई e कॉमर्स से रिलेटेड Uh, मेरी स्पेशलिटी चूँकि वर्ड प्रेस में है और शॉपीफाई में है उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट नजर आया तो मैंने उस पर बेड कर देनी है आपके सामने आर यू रेडी एफ यस आइए स्क्रीन पर चलते हैं और ढूंढते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को दोस्तों ये होम पेज गुरु डॉट कॉम का और uh, अब यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट को सर्च करूंगा सर्च के टैब पे मैंने क्लिक किया जनाब ये सर्च का पेज पुल अप हो रहा है लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज हैं राइट साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे पहला है प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट क्योंकि ई कॉमर्स इसी में आती है हम जिसको गोइंग थ्रू द प्रोजेक्ट्स देखूंगा इनमें से कोई प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगेगा तो उसको अलग टैब पे मैं खोल लूँगा तो ये मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ ये मुझे एक प्रोजेक्ट अच्छा लगा ब्यूटी सैलून वर्ड वेबसाइट इसको मैंने न्यू टैब में खोल लिया और ये जनाब आप प्रोजेक्ट आपके सामने ब्यूटी सैलून की वेबसाइट है और एम्प्लॉयर कहते हैं कि आई नीड अ वर्ड प्रेस वेबसाइट विद एबिलिटी टू टेक अपॉइंटमेंट्स एंड एक्सेप्ट पेपॉल पेमेंट्स आई नीड टू हैव अ लैंडिंग पेज टू यूज कस्टमर्स कि जनाब वो इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकें तीन पार्ट्स बन रहे हैं इस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के आ, तीनों पार्ट्स को देखते हुए अपडेट करते हैं जनाब फिक्स माइल स्टोन है क्योंकि मुझे लगता है प्राइस इसकी फिक्स ही होनी चाहिए टाइटल मैं रख रहा हूँ कंप्लीट वर्ड प्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट क्योंकि वर्ड प्रेस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और ई कॉमर्स उन्होंने बताया जनाब मैं पेपैल एक्सेप्ट करूँ सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये वेबसाइट ई कॉमर्स है हफ्ते का मैंने टाइम दे दिया इनको और प्रोजेक्ट क्या चुके इनका बजट रेंज अंडर टू फिफ्टी है तो मैंने दो सौ पच्चीस रख लिया क्योंकि मुझे कॉस्ट इफेक्टिव भी रखना है नाम है इनका जनाब हेक्टर इनको मैं आ, हेक्टर अच्छा यहाँ पे जो मैंने अभी ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट किया है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट है अगर मुझे एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेगा तो मैं हर दूसरे दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट दूंगा जनाब बिड का आगाज़ करते हैं स्कोप ऑफ वर्क यानी कि बिड डियर हेक्टर थैंक्स फॉर रीडिंग माई रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट उनका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपने टाइम निकाला और आपको और भी बिड्स मिल रही हैं लेकिन आपने मेरी बिड भी पढ़ी नज़र करम डाली आई हैव ओवर टेन ईयर्स ऑफ डिज़ाइनिंग वर्ड प्रेस वेबसाइट्स इंक्लूडिंग थीम्स एंड प्लाग और आई कैन क्रिएट योर ई कॉमर्स वेबसाइट इन वर्ड प्रेस मैं इनको ये बता रहा हूँ कि जना मेरा दस साल का एक्सपीरियंस है एक दिहाई का और मैं वर्ड प्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ इंक्लूडिंग थीम्स एंड प्लग ये वर्ड प्रेस के प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ है जो प्रोग्रामर्स हैं वो तो समझ जाएंगे अगर आप लोग बिगनर्स uh, हैं तो ऑफ कोर्स यूल नीड टू टेक दैट कोर्स ऑफ ई कामर्स उसके बाद मैंने बताया जना के आपके प्रोजेक्ट्स की तीन डिवीज़न मेरे मुताबिक हो रही हैं एक आपको लैंडिंग पेज चाहिए ताकि लैंग्वेज सिलेक्शन हो जाए एक इंग्लिश एक स्पेनिश ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है दूसरी बात कि जनाब आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए कि लोग आए और आपके ब्यूटी सलून सैलून में अवेलेबल डेट्स पे अपॉइंटमेंट ले लें तो उसके लिए कैलेंडर चाहिए होगा मैंने लिख दिया विद कैलेंडर्स स्पेल मिस्टेक है मुझे भी पता है तीसरा पार्ट है जनाब ऑनलाइन बुकिंग यानी कि जब डेट अवेलेबल है तो फिर बुकिंग कर लें। तो ये तीन पार्ट्स मेरे नजदीक इस प्रोजेक्ट की समरी है कि एक लैंडिंग पेज है, एक जनाब अपॉइंटमेंट्स है और एक ई कॉमर्स का ऑनलाइन बुकिंग का मॉड्यूल है प्रोपोज सोल्यूशन मैं क्या कर सकता हूं इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए मैं अब एक हेडिंग बना रहा हूं नोटिस कीजिएगा दोस्तों इस बिड रिस्पॉन्स का फर्क पिछली बिड रिस्पॉन्सेज से कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पे मैं बिलीव नहीं करता मैं बिलीव करता हूँ कस्टमाइज रिस्पॉन्स पे बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट अब मैं प्रोपोज सल्यूशन यानी कि मैं मैंने बता रहा हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ये नई चीज़ है मैं ये बता रहा कि जी आई विल इंक्लूड वू कॉमर्स प्लग इन फॉर अनेबलिंग पेमेंट एक्सेप्टेंस ऑन योर वेबसाइट एंड विल ऑल्सो यूज अ कैलेंडर मॉड्यूल मॉड्यूल नहीं वर्ड यूज होता तो मैं इसको डिलीट करूंगा और मैं प्लग इन का वर्ड यूज़ करूंगा वर्ड प्रेस में प्लग इन्स होते हैं Uh, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो वो कॉमर्स यानी कि आपने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है वो कॉमर्स के साथ इसको इंस्टॉल करके एज अ प्लग इन ना सिर्फ आप पेपल एक्सेप्ट कर सकते हो बल्कि डाउन द रोड अगर आपका दिल करे मेजर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करेगा वो भी कर सकते हैं ये वो कॉमर्स का मैंने नाम लिया इसने बेड uh, ने मुझे रेड लाइन दे दी उसके बाद मैंने ने बताया जी एक कैलेंडर का प्लग इन है वो बड़े फ्री अवेलेबल हैं थीम्स के अंदर वो मैं लगाऊंगा और फिर तीसरी पार्ट जाहिर है लैंग्वेज सिलेक्शन तो मैंने ये बताया था वेबसाइट विल बी मल्टीलिंगुअल कि ये दो लिंगुअल लैंग्वेजेस आपको चाहिए और इसके लिए भी मैं एक प्लग इन यूज़ करूंगा होम पेज पर पे। उसके तो बाद जनाब मैं इनको बता रहा हूँ कि मैंने वर्ड प्रेस पर कभी काम तो किया होगा और उनमें ई e कॉमर्स का भी काम किया होगा तो मैं वो ई e कॉमर्स का पोर्टफोलियो हेक्टर साहब के सामने रखा और उस पर मैंने लिखा प्लीज़ टेक अ लुक एट दीज टू वर्ड प्रेस वेबसाइट्स देट एक्सेप्ट पेपैल एज वेल एज मेजर क्रेडिट कार्ड्स एक साइट जो है जनाब उसका लिंक मैंने इधर डाल दिया और दूसरी मेरी अपनी बींगुरु जो कि लेती है और ऑनलाइन स्टोर भी है उसको वर्ड प्रेस के अंदर मैंने वो कॉमर्स का प्लग इन इंस्टॉल किया हुआ है एन आई टेक का यू नो एक्सेप्ट मेजर क्रेडिट कार्ड तो मैंने उसका जिक्र कर दिया इन दोनों वेबसाइट का जिक्र करने के बाद मैं पत्ता फेंक रहा हूँ ये मैजिक ट्रिक माय अपनी याद आ गया मैंने कहा भाई कि मैं आपको एक मौका दिखाना चाहता हूं आपकी वेबसाइट का आपके ब्यूटी सैलून का अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे से बात करें और इसको मैंने जरा समराइज कर दिया इस दफा डिफरेंट नॉर्मली मैं लिखता हूँ यू इंटरेस्टेड ओपन पी एम बी सो वी कैन डिस्कस इस दफा तो मैंने सिर्फ ये कहा आर यू इंटरेस्टेड सवाल पूछ लिया ऑफर भी दे दी सवाल भी पूछ लिया फिर जनाब मैंने कहा लेट्स डिस्कस दिस ऑपरचुनिटी इन पी एम बी प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड सबको पता है बेस्ट हिशाम सर्वर हिशाम एट इन्फॉर्मेस्ट हिशाम आ, का जो है वो वेबसाइट एड्रेस और फिर जनाब स्काइप इन्फॉर्मेशन जो गलतियाँ हैं वो बिड पे बड़ी विजिबल नज़र आ रही हैं वो कॉमर्स का एक वर्ड होता है जनाब वो मैंने ठीक कर लिया और उसके साथ और जो भी मुझे मेजर मिस्टेक्स नज़र आ रही थी वो मैंने ठीक कर ली आ, अब चूंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड एडिटिंग होनी चाहिए और वो मैंने ये बताया कि टेन ईयर्स ऑफ डिज़ाइनिंग का वर्ड डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रियट है रादर देन क्रिएशन का तो मैंने क्रिएटिंग का वर्ड हटा के डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग वर्ड प्रेस वेबसाइट्स कर दिया ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगा और uh, इसके साथ मैंने और जो है वो मोडिफिकेशन की ना एवरी थिंग सीम्स फाइन मुझे एहसास हुआ कि मैंने ई मेल एड्रेस दो दफ़ा लिखा है तो मैंने दूसरी दफ़ा का ई मेल एड्रेस हटा के उसको रिप्लेस किया अपने वेबसाइट एड्रेस से डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट infobiz.com Everything एवरीथिंग लुक्स गुड मैं सबमिट का बटन हिट करने लगा हूं जो कि अप्लाई है और अप्लाई का बटन मैंने हिट किया दो तीन सेकंड बाद मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी कि जनाब साहब को आपकी बेट टेम्पलेट चली गई है बहुत शुक्रिया